हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड डॉटर्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आ गए अपना एक न्यू व्लॉग लेकर, जिसमें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हमारी जो दिवाली की सवाइयाँ स्टार्ट हो गई है वो। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पूछ रहे होंगे पापा आगे क्या। आई मम्मी, आ गई मम्मी। कौन सा ब्रश है? कौन सा ब्रश दूं? ये दे। ये? हाँ ये दे लो। ये दीगे? हाँ। कौन सी? बाहर से करने पड़ेंगे ये। बोले दियो। बोले सूट लहंगा ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल। ये देखिए हमारी पूरी किचन। अभी ये ग्लासेस का टावर, वहाँ पे कांच के बर्तन, सारे बॉक्सेस वहाँ पे हैं बर्तन, कुछ माइक्रोवेव ओवन ये सब। और ये है हमारा जो हमने पूजा की थी वो गन्ना, हमने फिर खाया नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि सफाई के बाद मैं इसे खाऊंगी। और ये बेड भी यहाँ पे ऐसे खिलना पड़ा है क्योंकि दिवाली की सफाइयाँ चल रही, तो रूटीन वाली सफाई भी अब तक अच्छे से नहीं हो पा रही है। और ये ब्लूटूथ देखिए ऑन ही पड़े हैं बेचारे, तो इन्हें भी हम ऑफ कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ हुआ है पूरे ये किचन में मम्मा कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप सारे ये बर्तन। हाँ मम्मा, कहाँ है? कहाँ से लाऊं? और मेन बात ये है हम अकेले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी काम वाली आंटी है, सफाई वाली आंटी है जो, वो बीच रास्ते में मतलब छोड़ के नहीं है बट वो छुट्टियों पे चली गई हैं और इस वजह से हमें करना पड़ेगा। और मैं आपको दिखाऊं कुछ, तो ये देखिए ये है कुछ कैंडल्स जो कि मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं हमेशा रखती हूँ फ्लोटिंग कैंडल। इस बार भी हम जाने वाले हैं दिवाली की शॉपिंग करने, शायद हम कल जाएंगे तो स्टे ट्यून्ड विद अस। ये देखिए ये मेरा ट्रिटिस पूरा पैक रखा हुआ है कैंडल्स का, तो मैं बहुत जल्दी इन सबको यूज़ करने वाली हूँ और आपके साथ भी शेयर करूँगी। सबसे पहले मम्मा ने मंगवाया है कपड़ा, तो हम कपड़ा ढूंढते हैं। कपड़ा भैया कपड़ा, सो हेलो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपके साथ तो शेयर किया था मतलब पिछले वीडियोस में, पीछे जो क्लिप्स हैं उसमें कि कैसे सफाई चल रही है दिवाली की, तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कितनी सफाई हो चुकी है, कितनी पेंडिंग है। तो सबसे पहली बात तो ये वाला जो था रूम वो तो हमने कल ही साफ़ कर लिया, मतलब इसमें कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा बेड हटा के नीचे झाड़ू मार के ये सब सफाई हुई है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो मेन था वो वाला रूम क्योंकि वहाँ पर सारे कपड़े वगैरह हमारे हैं, अलमीरा वगैरह कपड़े, और वो बेड में भी बहुत सारा सामान था। और हमारी किचन, तो किचन हमारी लगभग साफ़ हो गई है क्योंकि वैसे सारी सफाई हो गई, बट जो किचन का ये जो स्लेब जिसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म, वो अभी हमारा अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है, तो अभी हमने वो करना है। वैसे सारे जो बर्तन थे, डब्बे थे, स्टील के स्टैंड, ये सब सारा कुछ साफ़ हो गया है। और सफाई करते वक्त
और सफाई करते वक्त हमसे एक नुकसान भी हो गया, मतलब रोहित से, वो कुछ डब्बे उठा रहा था चार वगैरह के और वो उसके हाथ से हो गए स्लिप, और आगे जो है जो कांच के ग्लासेस वगैरह होते हैं वो रखे थे और उसमें से एक ग्लास टूट गया, तोड़ दिया। टूट गया तो उसके बाद वो ऐसे, मतलब अब ये तो मेरे हाथ से फिसल गया, अब वो क्या। तो एक उसका ग्लास ना बहुत पतला भी था बट वैसे बहुत अच्छे लगते थे, तो उसकी वजह से एक वो हो गया। तो चलो छोड़ो से, बट फाइनली हमारी किचन की सफाई ये देखी। तो अभी मम्मा मिक्सी वगैरह को साफ कर रही हैं। और ये देखिए तो ये अभी साफ करने वाली है, वही ये साफ करने वाला, तो ये अभी हम करेंगे। अभी मैं आपको बैक कैमरा से भी दिखा देती हूँ, अभी मैंने फ्रंट से दिखाया था, मैं बैक कैमरा से आपको दिखाऊंगी किचन का हाल, लोबी का। ये देखिए सारे डब्बे अच्छे से साफ हो गए, अपनी अपनी जगह जा चुके हैं। मम्मा मिक्सी साफ कर रहे हैं, शायद वो भी अच्छे से हो चुकी है साफ, आप देख सकते हो अब अलग दिख रही है, एकदम साफ तो हो गई है किचन ही। देखिए सारे डब्बे अच्छे से हो गए वॉश, और ये जो सेटिंग है मैंने अब देखी इतने सालों बाद अब चेंज हुई है भैया। और ये हमारे जो पीतल के बर्तन है अलग से ही चमक रहे हैं, ये वाले क्रोकरी वहां पे सारी जितने ग्लास का था वो। और अभी तो हमने मेन जो है हमारा पिछले जो मेन रखे हुए हमने बर्तन, और तो क्रोकरी तो हमारी अंदर, जो मेन हमारी क्रोकरी है जिन्हें हम आप मेन कह सकते हो कि हाँ क्रोकरी, वो तो सारी भाई अंदर ही रखी है। अभी मम्मा ने बोला तो उससे मेरे को याद आया कि वो तो हमने इस बार निकाली ही नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा और उसमें तो मतलब हमने ऊपर रखनी हो रही वो तो ऊपर ही रखी है। तो फिर हम अभी तो वो तो हम ऊपर वाले किचन में जब सामान रखना स्टार्ट करेंगे तब रखेंगे, तब उतारेंगे, क्योंकि अभी वो है और बहुत हैवी है उसकी वजह से हम नहीं उतार रहे हैं। तो ये है किचन खाल, ये सारा हैवी है, ये माइक्रोवेव वॉश कूलर कैंपर जो भी से कहते हैं, कैंपर शायद कहते हैं, तो वो रखेंगे। ये थोड़ा बहुत टूथपेस्ट ब्रशेज वगैरह रखे, और ये भाई अभी मैं थोड़ी देर में इसे खाने वाली हूँ पक्का, आज तो मैं इसको पक्का खाऊंगी। और ये देखो किचन में से सामान निकला, खाना वगैरह खाया हमने, लंच किया, सफाई कर रहे थे किचन में, वापस रख नहीं सकते थे, तो ये यहीं पे है, चपाती बॉक्स यहीं पे रखा हुआ है, वो समथिंग चाय के साथ या पता नहीं, तो जो हमने कहा था प्रसाद लाए हैं, ये शक्कर पारे हैं और कुछ मीठी मट्ठियाँ हैं वो रखा हुआ है। तो सफाई तो रूटीन वाली भी नहीं हुई है, और ये तो वो तो हम ऊपर वाले किचन में जब सामान रखना स्टार्ट करेंगे तब रखेंगे, तब उतारेंगे, क्योंकि अभी वो है और बहुत हैवी है उसकी वजह से हम नहीं उतार रहे हैं। तो ये है किचन खाल, ये सारा हैवी है, ये माइक्रोवेव वॉश कूलर कैंपर जो भी से कहते हैं, कैंपर शायद कहते हैं, तो वो रखेंगे। ये थोड़ा बहुत टूथपेस्ट ब्रशेज वगैरह रखे, और ये भाई अभी मैं थोड़ी देर में इसे खाने वाली हूँ पक्का, आज तो मैं इसको पक्का खाऊंगी। और ये देखो किचन में से सामान निकला, खाना वगैरह खाया हमने, लंच किया, सफाई कर रहे थे किचन में, वापस रख नहीं सकते थे, तो ये यहीं पे है, चपाती बॉक्स यहीं पे रखा हुआ है, वो समथिंग चाय के साथ या पता नहीं, तो जो हमने कहा था प्रसाद लाए हैं, ये शक्कर पारे हैं और कुछ मीठी मट्ठियाँ हैं वो रखा हुआ है। तो सफाई तो रूटीन वाली भी नहीं हुई है, और ये देखो मुस्कान को गर्मी लगने लगी, हमारा खिलाड़ा देखो कैसे, इटावी बागा बॉर्डर अमृतसर का पंखा, तो देख सकते हो आप कैसे पड़े हैं, हमारा बेड बाट सब कुछ खिंडा के रखे हुए आज। आज खाना बुरा हाल हो रखा है, मेरे टेडी बेयर को गर्मी लग रही है, मैं हवा दे रही हूँ। ये देखो मुस्कान की बैग, छोटे छोटे पता नहीं कितने बैग रखे हुए इसने। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम जल्दी लौटेंगे हमारा एक और व्लॉग लेकर, जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी सफाई के बाद का,
जो है पूरा घर, मतलब सफाई के बाद कैसा लग रहा है वो। तब तक के लिए बाय बाय।